इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई सरवटे बस स्टैंड की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आगामी बैठक में यातायात बसों के आवागमन सहित यात्रियों की सुविधाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। इंदौर के मध्य क्षेत्र में स्थित सरवटे बस स्टैंड की भव्य इमारत का कार्य अंतिम दौर में चल रहा है। यहां से कई राज्य सहित प्रदेश के जिलों में बसें संचालित की जाना है। इसको लेकर नगर नियम आयुक्त द्वारा बताया गया है कि 5 जनवरी को बस संचालकों सहित यातायात विभाग के साथ बैठक आयोजित की जाना है। बैठक को लेकर सरवटे बस स्टैंड से जुड़े तमाम विभागों को सूचित किया जाता है, ताकि जब बस स्टैंड की शुरुआत की जा सके तो यात्रियों की तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा जा सके। सरवटे बस स्टैंड को लेकर 5 तारीख को एक बैठक रखी गई है, जिसमें आने वाले समय में वहां का संचालन किस प्रकार से होगा, किस किस रूट की बसेस चलाई जाएंगी और क्या व्यवस्थाएं वहां हम लोगों को लगानी है। संचालन में यातायात विभाग, वहां के बस ऑनर्स एसोसिएशन को भी बुलाया गया है, जिला प्रशासन भी वहाँ रहेगा, आदरणीय कलेक्टर महोदय भी बैठक में रहेंगे। तो उस मीटिंग में हम लोग इसके ऑपरेशन के विषय में जो भी फाइनल डिसीजंस हैं वो लेंगे। बता दें कि सरवटे बस स्टैंड से प्रदेश के तमाम जिलों सहित अन्य राज्यों की भी बस संचालित होती है, जिसके कारण बसें शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरती है। फिलहाल इन सभी मुद्दों पर बैठक में किस तरह की चर्चा होती है वह आने वाला समय ही बताएगा। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी बाजपाई की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।